सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रीलव एग्रीटेक में। आज मैं आप लोगों को 2000 लीटर के टैंकर के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए यहाँ पर हूँ। इस तरफ आप मेरे राइट साइड में देखेंगे, ये 2000 लीटर का एक बेस और सिंपल मॉडल है। बेस और सिंपल मॉडल का मतलब ये नहीं है कि इसमें हमने कोई फीचर नहीं दे रखे हैं। इसमें अधिकतर सारे फीचर है जो कि एक बाग के टैंकर में होने चाहिए, अर्थात जो एक बाग वाले किसान को चाहिए होंगे एक टैंकर के अंदर। जो आप इस तरफ देखिए, ये जो टैंकर है, ये टैंकर हमारे किसान भाइयों के लिए, उन किसान भाइयों के लिए है जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा खेती है, जिनका 1500 या 1200 लीटर पे काम नहीं चल पाता, तो ये कुछ टैंकर उनके लिए बनाया गया है। ये टैंकर बाद में भी यूज हो सकता है। आज हम आपको इन दोनों टैंकर के बीच में डिफरेंस बताएंगे। जो ये टैंकर देख रहे हैं दोनों के दोनों, हम एक ही बार में दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। दोनों के दोनों टैंकरों पे ही हमने पंप 120 नंबर का दे रखा है, जो कि मार्केट में 150 के नाम से दिखता है। पंखा हमने इसमें दे रखा है, उसके नीचे दोनों के दोनों टैंकरों में ही गियर बक्से दे रखे हैं। कभी भी आपको पंखे और मशीन की बेल्ट उतारनी चढ़ानी नहीं पड़ेगी, आप हमेशा एक पिन एंड प्लग से इसको कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, कभी भी आपका हाथ वाथ या बेल्टों में हाथ लगने की, कभी ये सब झंझट खत्म हो जाती है। के साथ जैसे कि हमने दिखाया, ये दो गने मिलती है आपको, एक फुटबॉल मिलती है, दो नोजिले मिलती है, और आपको इसी के साथ एक 20 फुट पंखे का पाइप भी मिलेगा, जो कि हम ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करके देते हैं। दोनों तरफ की पीटीओ एडजस्टमेंट भी मिलती है आपको। जो ये फ्रेम है, ये आगे की पीटीओ, जो ये फ्रेम है, ये अभी जिन कस्टमर के पास जा रहा है उनकी डिमांड थी, मुझे 8-25-16 के टायर चाहिए। हमने इसमें जो धुरा है वो नया दे रखा है, तो 8-25-16 के टायर जैसे कि काफ़ी महंगे आते हैं, तो उसी हिसाब से हमने इसमें पुराना टायर लगा रखा है, जो अप्रॉक्स 16000 के समथिंग का बैठता है। और इसी हाथ में इस टैंकर के अंदर हमने 7 इंच के टायर दे रखे हैं, और नया रिम, नया धुरा, सब कुछ दे रखा है। ये एक नॉर्मल बेसिक टैंकर है, तो उसी हिसाब से इसमें हमने काम किया हुआ है। जो पाइप होते हैं बहुत से कस्टमर यहाँ पे ऐसे पाइप लपेट लेते हैं, या पीछे इसमें पाइप लपेट लेते हैं साइड में। ज़्यादातर बाग में इस पे 50-50 मीटर पाइप एक साइड पे उपयोग होता है। इसी हाथ पे हम इस वाले टैंकर पे आ जाते हैं, जो ये वाला टैंकर है अपना, इसमें दोनों तरफ लपेटने का भी सिस्टम है। और आगे ये बढ़ेगा, और ये कुछ इस तरह हमने इसमें ऑटोमेटिक रील दे रखी है, जब आप क्लच दबाएंगे तो पाइप अपने आप ही रोटेट होता चला जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये पाइप अपने आप ही रोटेट होना चालू हो जाएगा। इस रील को हमने क्यों दिया है, बहुत से कस्टमरों को, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ये बड़ा टैंकर है, 2000 लीटर का टैंकर है, तो ये वही किसान खरीदेंगे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है। तो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, खासकर उन्हीं के पास ज़्यादा पाइप की भी ज़रूरत पड़ती है। किसी को 1000 फीट पाइप चाहिए, किसी को 1500 फीट चाहिए, तो हमारी इस जो गिल्डी है, इस गिल्डी पे अप्रॉक्स 2000 फीट या 2500 फीट तक पाइप बड़े आराम से आ जाएगा। बाकी दोनों टैंकरों में अगर हम बेसिक फ़र्क समझें तो सिर्फ इसी गिल्डी का है, अन्यथा कोई फ़र्क हमने दोनों टैंकरों में नहीं देते हैं। बहुत से हमारे लोग पूछते हैं, भैया ये सस्ता ये कम क्यों है? ये सस्ता और कम सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने इसमें गिल्डी नहीं दे रखी, और बहुत से हमारे किसान भाई चाहते भी नहीं है, जो बाग का काम उपयोग करते हैं वो गिल्डी हम लोगों से ही मना करते हैं कि गिल्डी ना लगा के दी जाए। बाकी ये हमने यहाँ पे ये सब दे रखा है, ये सब दे रखा है, सामान दोनों के साथ सेम मिलेगा, पास गाई के चैनल में दे रखा है। थोड़ा देखो, जब कोई चीज़ हैवी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये पायदानों का उपयोग थोड़ा सा ज़्यादा कर रखा है, और इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा हमने फ़र्क दे नहीं रखा है। बस एक तरफ ये ऑटोमेटिक है जो कि अपने आप नली लपेटेगा, और एक तरफ ये बिना ऑटोमेटिक या बिना गिल्डी का फ्रेम है जिसमें नली लपेटने का सिस्टम नहीं दे रखा है। इसी हाथ में दोनों में ही हमने गियर बक्से भी दे रखे हैं, 42 से 35 किलो के बीच का ये गियर बक्से होते हैं, जिसमें कभी भी आपको बेल्ट उतारनी चढ़ानी नहीं पड़ती। ऊपर थोड़ी सी छत दे रखी है, दोनों के अंदर ही दे रखी है। अच्छा, सबसे खास बात, जो हम इसमें टैंक यूज़ करते हैं, बहुत से हमारे भाई लोग यूज़ करते हैं 100 किलो के या 90 किलो के टैंक। देखिए, किसान के साथ खिलवाड़ करना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि जिसको हमारी तरफ से आइटम चली जाए तो उसको कोई भी गलत चीज़ नहीं दे, तो हम इसी उसपे 120 किलो की टंकी इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो मेरा बेस मॉडल हो, चाहे मेरा टॉप मॉडल हो, मैं सब पे ही 120 किलो की टंकी लगाने की कोशिश करता हूँ। HR कंपनी की टंकी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, और कंपनी इतनी अच्छी है कि रिप्लेसमेंट तक की गारंटी देती है इन टैंकों में। देखिए, हम लोग दुकानदार है, हम लोग आपके पास कुछ सामान लाते हैं, इसलिए कि आपके लिए भी गारंटी हो और हमारे लिए भी गारंटी आए। और यही कुछ था इन दोनों मॉडल के बारे में, यही कुछ था इन दोनों टैंकों के बारे में। ये
विदाउट ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक है। और अगर आप लोगों को भी अन्य जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे मेरे नंबर पर फोन कर सकते हैं 8755255510, या फिर हमें इंस्टाग्राम या फिर हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी अपने वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक करना, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी लव एवरीथिंग, थैंक यू सो मच।